हम बात कर रहे हैं IRFC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको बड़ी तेज़ी, बड़ा जम देखने के लिए मिला है। 6% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। हमने पिछले वीडियोस में लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, जब स्टॉक बाउंस बैक हुआ है हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि 180 का लेवल ब्रेकआउट करके स्टॉक 200 तक के टारगेट दिखा सकता है, ऐसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं। हम देख सकते 190 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया आज के दिन भी, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था अगेन उसी लेवल से स्टॉक में सेलिंग देखने के लिए मिली। लेकिन उतना बड़ा फॉल हमको, उतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। स्टॉक अपने हाई के आसपास है। यहाँ से और बड़े टारगेट IRFC में आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिल सकते। हम देख सकते कि जिस तरह से यहाँ बाइंग देखने के लिए मिली है, बायर एक्टिव देखने के लिए मिल रहे, क्या उतना बड़ा सेलिंग हमको इस लेवल पर देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, छोटी मोटी गिरावट आ रही है, स्टॉक बाउंस बैक करके अपने हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। गिरावट आई है छोटी मोटी, स्टॉक बाउंस बैक करके अपने हाई को ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ से आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 180 का लेवल, और तगड़ा सपोर्ट रहेगा इसका ये जो लो है 174 का लेवल। अब टारगेट की बात करें तो हमको इसी हाई पर नज़र रखना है, 190 का लेवल, जहाँ से आज के दिन स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। कल के दिन अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है या इसके आसपास भी क्लोजिंग दे जाता है तो फिर हमको बड़ी तेज़ी कल के दिन भी देखने के लिए मिल सकती है। अगला टारगेट 194, इसको ब्रेकआउट करके 200 और 220 तक के भी टारगेट आप शॉर्ट टर्म में IRFC हमको दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।